इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पुणे पोषक कांड में अजीत पवार ने खुद पर लगे आरोपों पर चुप्पी तोड़ी है। दरअसल उन्होंने कहा कि मैं अक्सर कई मुद्दों पर पुलिस आयुक्त को फोन करता हूं, लेकिन मैंने इस मामले पर किसी को भी कोई फोन नहीं किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम और डिप्टी सीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं उन्होंने पुणे के विधायक पर आरोप लगाना भी बेबुनियाद बताया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पुणे पोषक कांड में अजीत पवार ने खुद पर लगे आरोपों पर चुप्पी तोड़ी है। दरअसल उन्होंने कहा कि मैं अक्सर कई मुद्दों पर पुलिस आयुक्त को फोन करता हूं, लेकिन मैंने इस मामले पर किसी को भी कोई फोन नहीं किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम और डिप्टी सीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं उन्होंने पुणे के विधायक पर आरोप लगाना भी बेबुनियाद बताया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पुणे पोषक कांड में अजीत पवार ने खुद पर लगे आरोपों पर चुप्पी तोड़ी है। दरअसल उन्होंने कहा कि मैं अक्सर कई मुद्दों पर पुलिस आयुक्त को फोन करता हूं, लेकिन मैंने इस मामले पर किसी को भी कोई फोन नहीं किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम और डिप्टी सीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं उन्होंने पुणे के विधायक पर आरोप लगाना भी बेबुनियाद बताया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पुणे पोषक कांड में अजीत पवार ने खुद पर लगे आरोपों पर चुप्पी तोड़ी है। दरअसल उन्होंने कहा कि मैं अक्सर कई मुद्दों पर पुलिस आयुक्त को फोन करता हूं, लेकिन मैंने इस मामले पर किसी को भी कोई फोन नहीं किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम और डिप्टी सीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं उन्होंने पुणे के विधायक पर आरोप लगाना भी बेबुनियाद बताया है।